25 गेंद 142 रन 19 चौके 6 छक्के 172 की साझेदारी। विराट कोहली ने हैदराबाद की धूल उतारी, आज बना दिया वो रिकॉर्ड कोई नहीं पाएगा तोड़। जिस काम को कभी नहीं कर पाए गेल, कोहली ने बना दी ऐसी रेल। बड़े बड़े बल्लेबाज आए, कोहली जैसा कारनामा नहीं कर पाए। कोहली ने आरसीबी को मैच जिताया, पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित गड़बड़ाया। आरसीबी रचेगी इतिहास, खिताब जीतने का सुनहरा मौका है पास। आरसीबी की जीत से अब दो टीमों पर संकट मंडराया, इस मैच में बन गए कई इतिहास, कोई नहीं है कोहली के आसपास। जी हाँ, इस मैच में विराट कोहली ने केवल शतक ही नहीं लगाया, बल्कि वो आईपीएल में इतिहास बना डाला जिसे तोड़ना तो दूर, उसके आसपास जाने की भी कोई सोच नहीं सकता। जिस काम को आईपीएल के इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया, इस काम को विराट ने करके दिखाया। चलिए आपको विराट की कारनामे की कहानी बताएं, उससे पहले इस मैच की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। नंबर एक, इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अब तक आईपीएल इतिहास के 16 सीजन में तकरीबन 1000 से ज्यादा मुकाबले हुए, लेकिन ये तीसरी बार ऐसा मौका आया कि किसी एक मुकाबले में दो शतक लगे हों। सबसे पहले साल 2016 में आरसीबी ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ताबड़तोड़ नाबाद शतक की बदौलत 248 रन का स्कोर खड़ा किया था। दूसरी बार ये मौका साल 2019 में आया था, जब हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर और जॉनी बेरस्टो ने बैंगलोर के खिलाफ ये कारनामा किया था। आज ये तीसरा मौका है जब विराट और डुप्लेसिस ने ये कारनामा कर दिखाया। वहीं एक इत्तेफाक ये भी है कि तीनों बार आमने सामने बैंगलोर की टीम ही थी। नंबर दो, विराट कोहली ने 4 साल बाद आईपीएल में शतक लगाया और अपने आईपीएल करियर का 6ठा शतक लगाया। विराट आईपीएल में शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। नंबर तीन, इस आईपीएल सीजन में किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई और आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। वहीं सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड आरसीबी के नाम ही है, जो साल 2021 में विराट कोहली और देवदत्त पाडिकल के साथ मिलकर 181 रन की नाबाद साझेदारी की थी। नंबर चार, रनों का पीछा करते हुए विराट और फॉफ डुप्लेसिस की ओपनिंग साझेदारी आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड गौतम गंभीर और क्रिस लेन के नाम है, जिन्होंने साल 2017 में गुजरात लायंस के खिलाफ नाबाद 184 रन की साझेदारी की थी। नंबर पाँच, विराट कोहली अब तक इस सीजन में 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 अर्धशतक और 1 शतक की बदौलत 592 रन बनाए हैं और बल्लेबाजी का औसत 59.2 का है। आज 186 रनों का पीछा कर रही बैंगलोर के इरादे शुरुआत से ही साफ नजर आ रहे थे। ये ठान के बैठे थे कि इस मुकाबले में हर हाल में जीत चाहिए और ऐसा ही कुछ हुआ भी। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण करना शुरू किया और इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया। आज टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी चुनी, हैदराबाद बल्लेबाजी करने उतरी, जिसकी बड़ी खराब शुरुआत हुई। शुरुआती दोनों ओपनर जल्दी निपट गए, 28/2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन ने बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। 51 गेंद में 6 छक्के और 8 चौकों के साथ ताबड़तोड़ 104 रन ठोक डाले। हैरी ब्रूक 19 गेंदों में 27 रन बनाकर नाबाद रहे और इस शतक की बदौलत हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया। रनों का पीछा करने उतरी बैंगलोर के दोनों ओपनर फॉफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 173 रनों की साझेदारी की। कोहली ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 12 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 100 रन बनाकर आउट हुए। विराट का विकेट गिरने के बाद फॉफ डुप्लेसिस भी जल्दी पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन तब तक मुकाबला बैंगलोर के नाम हो चुका था। डुप्लेसी 47 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 71 रन बनाकर आउट होते हैं और फिर ग्लेन मैक्सवेल 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ये मुकाबला बैंगलोर के नाम कर देते हैं। आरसीबी के जीतने से प्लेऑफ की लड़ाई अब और भी ज्यादा कांटेदार बना दी है। अब इस जीत से मुंबई और पंजाब के लिए हालात करो या मरो वाले बन गए हैं। इस जीत के साथ बेंगलोर ने मुंबई को 5वें स्थान पर खदेड़ दिया है और रन रेट के आधार पर 4था स्थान हासिल कर लिया है।